same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। तो नहा धो के जस्ट अभी रेडी हुआ ही था। और आज मेरे लिए और आप सबके लिए ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइस, दो दिन आ ही गया जिसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, जो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था काफ़ी टाइम से। और क्योंकि आज वो दिन आ ही गया, तो ये दिन हमारे लिए काफ़ी खुशी का दिन रहता है और काफ़ी अच्छा। काफ़ी घूमते फिरते हैं और काफ़ी अच्छे से इंजॉय भी करते हैं हम भी, और आप सब भी शायद करते होंगे। तो पर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये दिन मनाया जाता है। और मैं भी आपको बाहर चल के बस दिखाने वाला हूँ कि हमारे यहाँ क्या क्या हो रखा है आज। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मेरे आस पास का एरिया क्या है, क्या नहीं है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जो शहर है, गाँव है, से बिलोंग करता हूँ। और आज यहाँ पर जन्माष्टमी है और इस दिन का भी मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। और जस्ट मैं भी बाहर से देख रहा, काफ़ी भीड़ हो रखी है और काफ़ी भंडारे वगैरह लगा रखे हैं खाने पीने के लिए, और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। तो बस अभी थोड़ी देर में चल के आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि हमारे आस पास कैसे कैसे मंदिर सजा रखे हैं, कैसी सजावट कर रखी हैं। और काफ़ी अच्छा माहौल हो रखा है यहाँ का, भीड़ भाड़ भी खूब हो रखी है। तो बस अभी थोड़ी देर में चलते हैं और जैसा आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी जस्ट घर से निकले हैं और आप सामने देख सकते हैं, ये है मथुरा का मेन चौराया जिसका नाम है अग्रसेन सर्किल। और एक एक करके आपको सारे पॉइंट दिखाएंगे। और ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो गाइस, अभी हम जस्ट पहुँचे हैं, ये है मथुरा का रामलीला ग्राउंड और ये काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट भी किया हुआ है। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर का व्यू कैसा है। और हाँ, आप लोगों को बता दूं, आज यहाँ पर श्री योगी आदित्यनाथ जी भी आने वाले हैं और कुछ ही देर में ये सारा का सारा ग्राउंड फुल होने वाला है लोगों से। और पास चल के देखते हैं, वहाँ स्टेज पर डांस भी हो रहा है, तो पास जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। और ये जो ग्राउंड है, अभी कुछ ही टाइम बाद पब्लिक से पूरी तरीके से फुल होने वाला है, जो कि अभी खाली दिख रहा है। और यहाँ पर गाइस, पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा हुआ है जो कि खुद अपने हाथों से बनाई गई है। और यहाँ पर जिसने पेंटिंग बनाई है उनका नाम भी दिया हुआ है, ये देखिए। और कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंगें यहाँ पर बनाई, और वहाँ लास्ट तक पेंटिंग ही पेंटिंग लगी हुई है सारी की सारी। और आप लोग देख सकते हैं गाइस, सामने से श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे सामने आ पहुँचे हैं
सामने स्टेज पर, वो देखिए सामने बिल्कुल श्री योगी आदित्यनाथ जी आ पहुँचे हम लोगों के बीच में। और यहाँ पर काफ़ी क्राउड हो रहा है, काफ़ी क्रश है, काफ़ी लोग आए आके पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। तो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी गाइस, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो गाइस अभी अभी हम वहाँ से ग्राउंड में से निकले और हम यहाँ पर सेकंड चौराहे है मथुरा का, इसका नाम है भूतेश्वर चौराहा। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन करी हुई है और अभी भी कुछ काम जो है वो अभी चल ही रहा है। और आप लोगों को एक बार रात को सीन्स भी दिखाऊंगा जब यहाँ पर सब जगह लाइट ही लाइट जली हुई होगी, तो वो सीन काफ़ी अच्छा लगता है जब सारे में लाइट जल जाती हैं। तो गाइस मैं अभी अभी आप पहुँचाऊँ श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर एक भैया के साथ जो कि न्यूज़ रिपोर्टर हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए गाइस, कि आप लोगों को मैं ये वीडियो ये ब्लॉग दिखा सकूं। और हम जा रहे हैं अभी वहां पर जहां पर श्री कृष्ण जी का जन्म होता है जेल में। तो ये देखिए गाइस आप सबके सामने है, ये श्री कृष्ण जी की वो जेल है जहाँ पर रियल में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और ये वैसे ही बनाई हुई है अभी तक, और अभी तक वैसे ही है। ये सामने उनके पहरेदार खड़े हुए हैं जो कि सिलाई हुए बनाए गए हैं। और ये सामने जेल है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म होने वाला है, तो मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो देखिए गाइस ये जेलों के दरवाजे बनाए हुए हैं और यहाँ पर ये लोग निकल रहे हैं दर्शन कर करके, और काफ़ी सिक्योरिटी भी है और सब ने मास्क भी लगा रखा है। ये सामने ठाकुर जी की प्रतिमाएं हैं। तो हाय गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी अभी हम लोग घूम के आए थे, मैं था, मेरे साथ उत्तम था और शिवम भी था। तो मैं जैसे तैसे करके किसी की जान पहचान से एक भैया से रिक्वेस्ट करके उनसे बोला था कि मुझे मंदिर के अंदर लेके चलना, तो मुझे वो मंदिर के अंदर लेकर के गए थे। तो जहाँ पे कृष्ण का राज रात को जन्म होने वाला है और उन्होंने वो मुझे जगह दिखाई और मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत शूट किया, बस ज़्यादा तो नहीं कर पाया क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से वो सब मना कर रहे थे इस वजह से, पर जो मेन जगह थी वो मैंने शूट कर ली थी बस जैसे तैसे। तो काफ़ी अच्छा लगा, भीड़ भी थी पर अंदर लेकर गए थे तो कोई ज़्यादा वहाँ पर अंदर हमको दिक्कत नहीं हुई और सेफ्टी से हम अंदर गए और वहाँ से फिर दर्शन करके हम लोग बाहर भी आ गए। और आज हम पूरे दिन घूमे हैं बस, कभी यहाँ कभी वहाँ, और पूरा मथुरा इतना अच्छा सजा रखा है और इतनी भीड़ हो रही है, काफ़ी अच्छा लगा आज घूम के। हम लोग पूरे दिन घूमते चले और टाइम का तो हमको पता भी नहीं चला। और आप लोगों को एक बात बता दूं, आज कृष्ण जी के जन्मदिवस के साथ साथ मेरा भी जन्मदिवस है, आज ही के दिन मेरा भी जन्म हुआ था मथुरा में ही। तो मुझे तो क्या पता, पर घर वाले यही कहते हैं, सबने मम्मी पापा ने मुझे यही बता रखा है, मैं भी आज ही के दिन पैदा हुआ था, मेरा जन्म हुआ था आज ही के दिन ही। तो मुझे इस चीज़ को सुन के महसूस करके काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं भी आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ है इस इतनी अच्छी जगह पर। तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है उस चीज़ से जब मुझे सुनने को मिलता है किसी से भी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़। और आज हमने मैंने कुछ सुबह से खाया भी नहीं था, बस सुबह सुबह नाश्ता करके निकला था घर से, तो कुछ जस्ट खा तो पाए नहीं। मेरा मन तो था आज, काफ़ी भंडारे लग रहे थे जगह जगह, सोचा था खाऊं पर मन नहीं किया, काफ़ी भीड़ थी इस वजह से। और हम लोगों को काफ़ी घूमना भी था तो इग्नोर किया, मैं खा नहीं पाया उस वजह से, पर कोई नहीं, अब घर आ गया हूँ, अब खा पी के अब वापस चलेंगे रात को घूमने के लिए और आप लोगों को फिर वापस से दिखाऊँगा रात के सीन्स, और रात में लाइटिंग वगैरह हो जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. So
और अभी कुछ ही देर बाद श्री कृष्ण जी का जन्म होने वाला है। घड़ी से केवल 5 मिनट बचे हैं 12 बजने में और अभी हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि अंदर तो एंट्री अभी हो नहीं रही है और काफ़ी भीड़ भी हो रही है, इस वजह से मैं अंदर जाकर शूट भी नहीं कर पाऊँगा उस टाइम, तो आप लोगों को बाहर से ही दिखाऊँगा जो कुछ भी है। तो आप सब देख सकते हैं गाइस, जस्ट अभी अभी हम मेन गेट पर पहुँचे थे। यहाँ पहुँचते ही ठीक घड़ी में 12 बज चुके हैं और श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका है यहाँ पर। और लोगों में देख सकते हैं आप कितना उत्साह है, लोग ज़ोर शोर से तालियाँ बजा रहे हैं और श्री कृष्ण जी के भक्ति में डूबे पड़े हैं। और चारों तरफ मैं आपको दिखा दूँ, चारों तरफ काफ़ी भीड़ है और काफ़ी यहाँ पर शोर भी हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने खुश हैं लोग इस टाइम पर, और सब खुशी के मारे तालियां बजा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबको काफ़ी खुशी मिल रही है यहाँ पर आने के बाद। लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं, वो देखिए मेन गेट में से सब लोग दर्शन कर कर के अब बाहर की तरफ आने लगे हैं। वो देखिए सामने से सब लोग बाहर निकलने लगे हैं दर्शन कर कर के। तो अभी अभी जस्ट मंदिर से घूम के आए थे और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी और यहाँ पर माइक पर अनाउंस भी किया जा रहा है। जो लोग खो जाते हैं, जो मिल नहीं पाते, ऐसे वो अपने साथियों से वापस दोबारा मिल जाते हैं। और अभी जस्ट घर से फ़ोन भी आ रहे हैं और काफ़ी थक भी चुका हूँ मैं, तो बस अभी घर पर ही जा रहा हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।